अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियोस के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहीद कर्नल संतोष बाबू की अहलिया का डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से तकरूर, अराकीन खानदान ने वजीर आला केसीआर से की मुलाकात। हल्के असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन में ज़ेर तकमील तरक्याती कामों को फौरी तकमील करने के लिए नुमाइंदगी। मंडी से रुकन असम्बली नामपल्ली ने जोनल कमिश्नर से की मुलाकात। हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन में पाए जाने वाले आबी मसाइल को फौरी हल किया जाए। मंडी से रुकन असम्बली कारवान ने आला अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। जरदे की तैयारी और गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस एक मुलजिम जेर हिरासत, 10,40,000 रुपये मालियती अशिया जब्त। नारजों टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। मकानदार ने किराएदार खातून को चिकन के सालन में नशीली अदविया दे दी, इस्मत रेजी किए जाने का शुबा। चंदा नगर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। अब खबरें तफसील से। हिंद चीन सरहद पर शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की अहलिया को तेलंगाना हुकूमत ने डिप्टी कलेक्टर के ओहदे से नवाजा है। वज़ीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में संतोष बाबू की अहलिया को इस सिलसिले में तकर्रुरनामा हवाले किया। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल को मशवरा दिया कि उन्हें मस्कुरा ओहदे के लिए तरबियत दें, जबकि तरबियत ख़त्म होने के बाद उन्हें हैदराबाद की अतराफ व अकनाफ ही पोस्टिंग दी जाएगी। संतोष बाबू के तकरीबन 20 अराकीन खानदान ने प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात की और उनके हमरा दोपहर का खाना भी खाया। वज़ीर आला केसीआर ने खानदान के अराकीन को तयखुन दिया कि हुकूमत उन्हें हर तरह से तआवुन पेश करेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट में खानगी तालमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में चारशंबे को समाप्त हुई। अदालत में हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से डिजिटल तरीक़ेकार की हौसला अफजाई के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं और इसी पर रियासती हुकूमत अमल कर रही है, जिस पर अदालत ने NCERT के रहनुमायाना खतूत अदालत में जमा करवाने की हिदायत दी। जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए CBSE की तरफ से 2 हफ्तों की मोहलत तलब की गई है, जिस पर अदालत ने समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद और साबिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। कड़ियम श्रीहरी के साथ उनके 2 गनमैन, PA और ड्राइवर भी वायरस से मुतासिर हुए हैं। कड़ियम श्रीहरी कोरोना के अलामत महसूस करने के बाद घर में अलग थलग हो गए थे। मंगल की रात कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आने के बाद वो इलाज के लिए निम्स दवाखाने में शरीक हुए हैं।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला वक्तन फ़ौक्तन हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी भलाई के काम में मसरूफ़ रहते हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गवर्नमेंट स्कूल वाक़ न्यू मलकपेट में 10वीं जमात के तलबा में मुफ्त बुक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन स्कूल प्रिंसिपल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली हुकूमती अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने खैरताबाद में वाक़ GHMC के दफ्तर पहुँचकर जोनल कमिश्नर प्रवीना से मुलाकात की और मुख्तलिफ डिवीजन्स में ज़ेर तकमील तरक्याती कामों और मंजूरा कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इस मौके पर उनके हमराह सावक मेयर व डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन भी मौजूद थे। जोनल कमिश्नर खैरताबाद जोन GHMC पी प्रवीना ने तयखुन दिया कि तमाम कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाएगा। उसके बाद फिर से एकदम गैप हो गया। तो BDCC में प्लस पॉइंट ये है मैडम, एक बार आप कर लिए जबरदस्त है वो, अगर इससे हट के आप बोले तो कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं, आप दूसरी कोई रोड भी डालो मैडम क्वालिटी कंट्रोल, BDCC में क्वालिटी कंट्रोल होता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर महीउद्दीन ने हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के जनरल मैनेजर और दीगर अहदेदारों के हमराह हकीमपेट में वाक़ दफ्तर में एक इजलास मुनक़िद करते हुए तातुल शुदा कामों के सिलसिले में जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली ने अहदेदारों पर जोर दिया कि वह नानल नगर डिवीजन में पानी की वाफिर सरबराही को यकीनी बनाए जबकि कारवान डिवीजन में पेश आने वाले आबी मसाइल का भी जायजा लिया जाए। इस इजलास में जनरल मैनेजर हरीश शंकर, डिप्टी जनरल मैनेजर जौहर अली, मैकेनिकल DGM मुरली, मैनेजर्स राजू, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद खादर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जब उन्होंने स्टाफ से बोले बोले महीना डेढ़ महीना पहले बोले अब स्टाफ बोल दिए दो महीना पीछे पड़ा समय लागू है बोलते उन्होंने भी तो आकर पीछे हो रहा था ये टाइम पे लास्ट पीछे हो रहा था ऑलरेडी बोल दिया इसमें ना मारा नहीं तो सोचते क्या जी तो मारे घर लेकर तो रहते कहीं कोई साथ जाओ बोलो यहाँ से फिर उन्होंने आए उन्होंने पहले को रिया मारे उनके ऊपर से इन्होंने साथ मिले और नहीं है,
तेलंगाना हुकूमत ने दवाखाने उस्मानिया की खदीम इमारत को मुखफिल करते हुए मुहरबंद करने के अहकाम जारी किए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फौरी तौर पर खदीम इमारत को मुखफिल करते हुए मुहरबंद करने का हुक्म दिया है। वाज़ह रहे कि खदीम इमारत के लिए डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, जबकि मस्कुरा इमारत निज़ाम के दौर में तामीर की गई थी, जो तारीखी विरसे की हामिल इमारत है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूल्स के तलबा में हर साल दरसी कुतुब की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकराव ने प्रोतागिरी में तलबा में मुफ्त दरसी कुतुब की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने तलबा से खिताब भी किया। कोरोना वायरस के इलाज के लिए घरेलू नुस्खों की इन दिनों भरमार जारी है। सोशल मीडिया पर कई घरेलू नुस्खे गश्त कर रहे हैं। यही वजह है कि दवासाज की दुकानों पर भी हुजूम देखा जा रहा है, जबकि इस दौरान तेलंगाना के वरंगल में कोरोना चाय काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रही है। बताया गया है कि शिवा नामी शख्स ने मुख्तलिफ अशिया के साथ चाय तैयार की है और इसे फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दूर दराज से शिवा के टी स्टॉल पर लोग आ रहे हैं और चाय का मजा ले रहे हैं। शिवा ने कहा है कि चाय के पीने से क़ुव्वत मदाफियत में इजाफा होने का भी इम्कान है, जिसमें अदरक, काली मिर्च और दीगर अशिया मिलाई जा रही है। आवाम ने कहा है कि ऐसी चाय सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। मुगलपुरा पानी टाकी के करीब वाक़ एक मकान में 30 साल शादीशुदा खातून की मुबैन तौर पर खुदसोजी का वाक़ पेश आया है। ससुराले रिश्तेदार जब उसकी तदफीन की तैयारी कर रहे थे, तब मुतौफिया हिना बेगम के भाइयों ने सिलसिले में शुभात का इजहार करते हुए मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरी तौर पर नाश को दवाखाना उस्मानिया बगर्ज़ पोस्टमार्टम मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक शौहर और बीवी में जारी झगड़ों से बेजार और हिरासा होकर खातून ने 20 जुलाई को इकदाम में खुदसूजी किया था, जिसके बाद घर पर ही उसका इलाज किया जा रहा था, ताहम वो जख्मों से जान पर ना हो सकी। मुगलपुरा पुलिस मुख्तलिफ जावियों से सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। हेलो अरे भाई ढूंढ देखो जरा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से अवामी भलाई खिदमात और तारिकी ने हिंद की भलाई के लिए कायम करदा तंजीमों की कोशिशों से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट से चलाए जा रहे हैं, ताकि सऊदी अरब में फंसे अफराद को उनके मुतालिका शहरों तक पहुँचाया जा सके। इस सिलसिले के तहत बिहार अंजुमन दमाम अलखबर चैप्टर की जानिब से और रहनुमा फाउंडेशन दिल्ली के इश्तराक से मुख्तलिफ शहरों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए एम्बेसी से नुमाइंदगी करते हुए चलाई जा रही हैं। इस सिलसिले में ब्रादर शकील हाशमी, ब्रादर फैजुद्दीन हुसैन रजा, रजा कन्वीनर बिहार अंजुमन, ब्रादर ज़िया खान, ब्रादर कफील सिद्दीकी, डॉक्टर शकील रहमान ने काफ़ी मेहनत की और मस्कुरा चार्टर फ्लाइट्स की रवानगी को यकीनी बनाया। इस मौके पर ब्रादर गुलाम रब्बानी और बिहार अंजुमन के तमाम अराकीन ने एम्बेसडर डॉक्टर औसाफ सईद और हुकूमत हिंद से भी इजहार तशक्कुर किया।
मैं एडमिशन बताना चाहता हूँ बिहार रीजनल रेनुअल फाउंडेशन की तरफ से जो इनिशिएशन लिया गया है वो हमारी टीम है सैज भाई है सैज भाई है इसके पीछे और भी काफी लोग हैं जो बहुत मेहनत किए हैं इस काम को अंजाम देने में। एक्चुअली हम लोग जब अभी कोविड के दौरान इधर उधर जा रहे थे तो बहुत लोग परेशान थे और परेशानी के दौरान देखा कि बहुत सारे लोग सैलरी नहीं मिल रही है कंपनी से निकाला गया है खाने के लिए पैसे नहीं है तो हम लोग एक प्लान देखिए फ्लाइट चार्टर कर लिया तो उसने हम टीम से बात की है सारी टीम बोली थी कि अच्छा अच्छा मुहिम है और इसको आगे बढ़ाया जाए तो अलहमदिल्ला काफी कामयाब हो गया है और इनके लिए जो परेशान थे उनके लिए बहुत मेहनत करके पूरी टीम बिहार अनुमत एनुअल फाउंडेशन की पूरी टीम काम की है 2400 घंटा देके और इस काम को अंजाम देने में कामयाब रहा। ये हमारे कैद भाई है ये हमारे कपिल भाई है जया भाई है हसीन भाई बहुत सारे लोग हैं जो इसके पीछे हैं और मैं शकील आजमी हूँ मैं थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بالولہ حق اللہ تنظیم کے سربراہ اچھوتا راؤ کووڈ 19 سے متاثر ہونے کے بعد یشودا ہاسپٹل میں چل بسے۔ وہ 55 سال کے تھے جبکہ بالولہ حق اللہ تنظیم کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کو ان کے حقوق دلانے اور حکومت سے موصل نمائندگی کے لیے قائم کی گئی تھی جس نے کئی اہم کاموں میں حصہ لیا ہے۔ تنظیم کے دیگر ذمہ داران نے اچھوتا راؤ کے دیہانت پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ حیدرآباد ایسوسی ایشن دمام کی کوششوں اور اوورسیز تلنگانہ ایسوسی ایشن کے اشتراک سے ماہ جولائی میں دمام سے حیدرآباد کے لیے چارٹرڈ فلائٹس چلائی گئی تھی جس کے دوران انڈین ایمبیسی نے بھرپور تعاون پیش کیا۔ اس سلسلے میں حیدرآباد ایسوسی ایشن کے سربراہ مرزا ظہیر بیگ نے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی وزیر اعلیٰ کے دفتر ٹی آر ایس قائد خلیق الرحمان اور ایمبیسڈر ڈاکٹر اوصاف سعید سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک خدامہ اور ایک لڑکے کا اے ٹکٹ بھی اسپانسر کیا گیا۔ مسکرہ لڑکے کے والدین کا کووڈ کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا اور اب وہ دمام میں تنہا تھا۔ مرزا ظہیر بیگ نے بتایا کہ حیدرآباد ایسوسی ایشن اپنی کمیونٹی سروس کو اس طرح جاری رکھے گی۔ پریگننٹ تھے 7 مہینے پریگننٹ ہے آپ لوگ مدد کریں واٹس ایپ پہ کال کر کے آپ لوگ کو تنگ کریں بات صحیح ہے لیکن ہم لوگ کی مجبوری تھی آپ لوگ کا ہمیشہ سپورٹ رہا ہے ایک ہفتے سے حیدرآباد ایسوسیشن کمیونٹی سے آپ جتنے بھی ایڈمن تھے واٹس ایپ پہ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جو حیدرآباد کی فلائٹ ہے جتنا بھی فلائٹ اس کی آپ کی کوشش چل رہی ہے وہ بھی اس میں آپ لوگ کامیاب ہو ان شاء اللہ چاہے کوئی انڈیگو سے ہو یا پھر کوئی اور فلائٹ سے لیکن ان شاء اللہ آگے راستہ آپ لوگ کے لیے آسان ہو۔ شکریہ آپ لوگ کا بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو صحت دے اپنے گھر والوں کو صحت دے آپ لوگ کو رسک دے اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل سپورٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو ترقی دے ان لوگ کو سیف آمین شکریہ۔ میں حیدرآباد ایسوسی ایشن کا پریسیڈنٹ مرزا ظہیر بیگ بات کر رہا ہوں اور 3 جولائی کو جمعے کو جو ہیں حیدرآباد کی فلائٹ دمام سے پہنچ گئی۔ سب خیریت سے پہنچ گئے سارے لوگ دعا دے رہے ہیں کافی سب خوش ہے۔ یہ فلائٹ بھیجنے میں افیشیل کاروائی میں اور جو ہیں ہمارے او ٹی اے کے پریسیڈنٹ عرفان قریشی کا بھی تعاون کافی ہے اس میں اور خاص طور پہ ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو ہیں یہ فائل کو پش کرا کے جو ہیں ہم کو جو ہیں پرمیشن دلائے اسٹیٹ گورنمنٹ سے اور اس میں ہمارے خلیق الرحمان صاحب کا بھی جو ہیں کافی تعاون رہا اور میں خاص طور پہ ہمارے ایمبیسڈر صاحب ڈاکٹر ہز ایکسلنسی ڈاکٹر اوصاف سعید صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں این او سی ایشو کرنے کا۔ تھینک یو سو مچ وی آر ہیئر ٹو ورک فار دی کمیونٹی تھینک یو۔ نارتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے غیر قانونی طور پر امتناع شدہ زردہ پروڈکٹس کی تیاری اور منتقل کرنے والے ایک ملزم کو حراست میں لیا۔ ٹاسک فورس کے مطابق 47 سالہ پی شیو کمار کو اس سلسلے میں حراست میں لیا گیا اور اس کے قبضے سے 10,40,000 روپے مالیتی اشیاء برآمد کی گئی۔ بعد ازاں مزید کارروائی کے لیے اسے شاہنایت گنج پولیس کے حوالے کیا گیا۔ Thank you.
चंदानगर के इलाके में मालिक के मकान और उसके साथियों की तरफ से किराएदार खातून और उसकी बेटी के अलावा एक लड़के को सालन में नशेआवर अद्वियात मिलाकर दिए जाने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुंदरिया नगर में वाक़े पापी रेड्डी कॉलोनी में किराएदार खातून और उसकी बेटी और बेटे को चिकन के सालन में मुबैना तौर पर नशेआवर अदवियां मिलाकर दी गई। मुकामी अवाम ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि मकान मालिक और उसके तीन साथियों ने मिलकर ये हरकत की है। बच्चे को सेहत बिगड़ने पर नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि खातून और उसकी बेटी को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। इस वाक़े का एक वीडियो भी मंजरेआम पर आया है, जिसमें खाने के बाद मुतासरा खातून, उसकी बेटी और बेटे को मदहोश देखा गया। खातून के शौहर ने भी मुकामी अवाम को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। शुबा किया जा रहा है कि मकान मालिक ने खातून और उसकी लड़की की इस्मत रेजी की गर्ज़ से ये हरकत की है। ताहम मुख्तलिफ जावियों से पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। टीआरएस यूसुफ गुड़ा डिवीजन प्रेसिडेंट के साथियों ने हालत नशे में हंगामाराई करते हुए दो अफराद पर हमला किया और उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। बंजारहिल्स पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज हासिल किए गए हैं, जिसमें अमरेश पटेल और उसके साथियों ने हालत नशे में हंगामाराई करते हुए पवन यादव और साई को निशाना बनाया। इतला मिलते ही बंजारहिल्स पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और मफरूर मुलजमीन की तलाश शुरू कर दी है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने टप्पा चबूतरे में वाक़े एक स्नूकर पार्लर पर धावा किया और इम्तना के बावजूद खेल में मसरूफ तकरीबन 13 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से तकरीबन 3,100 रुपये बरामद किए गए और मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले किया गया। एसओटी मलकाजगिरी जोन ने बैन रियासती ऑनलाइन इंसानी स्मगलिंग का पर्दाफाश करते हुए एक मुलजिम को हिरासत में लिया, जबकि क्लीदी मुलजिम फरार हो गया। 27 साल ए शिवा कुमार को हिरासत में लिया गया और मगरी बंगाल की दो लड़कियों को आज़ाद करवाया गया। मस्कुरा मुलजमीन खैबागिरी की गरज से लड़कियों को ऑनलाइन स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से तारिकीन हिंद को वापस भेजने की गरज से चार्टर्ड फ्लाइट से चलाए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत ओवरसीज तेलंगाना एसोसिएशन की काविशों से और एम्बेसी के ताउन से सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट 19 जुलाई को जिद्दा ता हैदराबाद पहुंची। ओटीए के सरबराह इरफान कुरैशी ने बताया कि मस्कुरा चार्टर्ड फ्लाइट की मंजूरी के लिए वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वजीर आला के दफ्तर और एम्बेसडर डॉक्टर औसाफ सईद के मशकूर हैं, क्योंकि उन्हीं की कोशिशों से चार्टर्ड फ्लाइट की रवानगी को यकीनी बनाया गया है। नेज़ उन्होंने ओटीए के दीगर अराकीन मोहम्मद कलीम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद मुख्तदीर, मोहम्मद हबीब, उबैदुल्ला और मोहम्मद खदील की कोशिशों की भी सताइश की। इरफान कुरैशी ने मजीद बताया कि कौंसल जनरल मुतैना हिंद के दफ्तर वाक़े जिद्दा से हामिना मरियम ने भी भरपूर तआवुन पेश किया है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहीद कर्नल संतोष बाबू की अहलिया का डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से तकरूर, अराकीन खानदान ने वजीर आला केसीआर से की मुलाकात। हल्के असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन में ज़ेर तकमील तरक्याती कामों को फौरी तकमील करने के लिए नुमाइंदगी, मंजलिस रुकन असम्बली नामपल्ली ने जोनल कमिश्नर से की मुलाकात। हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन में पाए जाने वाले आबी मसाइल को फौरी हल किया जाए, मंजलिस रुकन असम्बली कारवान ने आला अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया इजलास। जरदे की तैयारी और गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस एक मुलजिम जेर हिरासत, 10,40,000 रुपये मालियती अशिया जब्त, नारजों टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। मकानदार ने किराएदार खातून को चिकन के सालन में नशीली अदविया दे दी, इस्मत रेजी किए जाने का शुबा, चंदा नगर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।